तो आई एम रियली सॉरी, कल मैंने जो कुछ भी किया मुझे नहीं करना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। क्यों सॉरी कह रहे हो मुझे? हमारा कोई लेना देना है जो तुम मुझे सॉरी बोल रहे हो? प्रीतो लेकिन प्लीज प्लीज मत परेशान करो मुझे, मैं पहले बहुत परेशान हूँ, प्लीज। रोका तो होने दे रही हूँ, लेकिन ये शादी मैं कभी नहीं होने दूंगी। इस शादी के पहले ही मैं उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी मुश्किलें भर दूंगी कि वो खुद ही इस शादी से मना कर देंगे। ये सब क्या है प्रीतो? यहाँ रखिए। ये कैसी यूनिफॉर्म सिल दी है तुमने? ये देखिए, आपने इसके कॉलर उल्टे सिल दिए हैं, किसी के बटन उल्टे लगा दिए हैं, तो किसी की स्लीव छोटी बड़ी है। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? सॉरी सर, आइंदा नहीं होगा। देखो प्रीतो, ऐसी गलती हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर मैं इसे चेक नहीं करता तो ये यूनिफॉर्म्स ऐसे ही चली जाती। तुम्हारा तो पता नहीं, मेरी जॉब जा सकती थी, तुम्हारी गलती की सजा मुझे मिल जाती। एक्सक्यूज मी सर, आपको चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर बुला। आप जाइए सर, मैं इसे देख लेता। थैंक्स, जस्ट टेक केयर ऑफ दिस सर। फिर तो ये सब नहीं, ठीक कर देना। तुम तो मुझे मत ही बताओ कि मुझे क्या करना है, ठीक है? वैसे भी अभी लंच टाइम है, ये सब मैं लंच के बाद करूंगी। मन भी लगे तो कैसे लगे, सारे दिन दिमाग में नीलम आंटी की बातें घूम रही थी। शादी नहीं करनी थी तो नहीं करनी थी ना, फोन ही देख लेती हूँ। पंकज ने ठीक तो कराई दिया होगा, वैसे देखो जरा सिम डाल के। मैसेज, राजवीर के मैसेज, डिलीट करती हूँ। नीलम आंटी ध्रुव और ईशु की शादी से खुश नहीं है, वो ये सब सिर्फ ध्रुव का मन रखने के लिए कर रही है। रोके के बाद वो तुम्हारी फैमिली के लिए इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी कि तुम्हें खुद इस रिश्ते के लिए मना करना पड़ेगा। वो तुम सबकी फीलिंग्स का मजाक बना रही है, और ये सब मैंने खुद उन्हें कहते हुए सुना। मुझे ईशु की फिक्र है, तुम्हारी पूरी फैमिली की फिक्र है। मैंने कई बार ये बात तुम्हें और ध्रुव को बताने की कोशिश की, पर तुम दोनों ने मुझे कुछ कहने ही नहीं दिया। इसलिए मजबूरन मुझे नीलम आंटी से रोका ना करने की बात करनी पड़ी, ताकि वो तुम्हारी फैमिली के लिए कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर सके। प्रीतु प्लीज मेरी एक बात तो सुनो। देखो, मैं इश्मीत को लेकर कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। काम को लेकर बात है? नहीं, ध्रुव और इश्मीत के बारे में। काम के अलावा मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, समझे तुम? इसके अलावा तो मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करूंगी। मैं सिर्फ अपनी बात कहना चाहता हूँ, इसे प्लीज पढ़ लो एक बार। मुझे कुछ नहीं पढ़ना है, समझे तुम? इसका मतलब राजवीर हमारा बुरा नहीं चाहता था, मैं उसे बुरा समझती रही। वो बुरा नहीं था, तो ये परिवार और ईशुदी के बारे में सोच रहा था। हाय रब्बा, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने उस इंसान को गलत समझा जिसने हमारा भला चाहा।